नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन ने उन्होंने कुछ पोस्ट के लिए एक भर्ती निकाली है और जो पोस्ट है उसका नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी कि ACIO Grade 2। दोस्तों, ये एक तरीके की टेक्निकल पोस्ट है, यानी कि अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपने स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके अंदर कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर वो आपके पास है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने सबसे पहले तो क्या बोला है कि जो ACIO है, ACIO के अंदर इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि CSIT अगर ट्रेड है, या फिर आपके पास कौन सी ट्रेड होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की ट्रेड होनी चाहिए। अगर आपके दो ट्रेड में से कोई भी एक ट्रेड आपके पास है तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, तो इन्होंने दो वेबसाइट का यहाँ पे जिक्र किया है। पहले है www.mha.gov.in, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी क्या है, ncs.gov.in है, तो यानी ये दो ही वेबसाइट से आपकी भरी जाएगी। आपको यहाँ से डायरेक्टली पता ही चल ही गया होगा कि अगर ये MHA की वेबसाइट ये इसको ऑफिशियली बोल रही है भरने के लिए, तो डेफिनेटली जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो भी आपका MHA का ही पार्ट है। यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आपके किसके अंडर आती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, अभी आपको एक छोटी सी बात बतानी है। आपने कई बार सुना होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी ही एक और एजेंसी है जो कि इंटेलिजेंस में काम करती है, उसको हम रो बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, वो आप एक बार मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें बता रखी हैं पोस्ट के बारे में और इनके बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफाई इसको किस तरीके से किया गया। तो सबसे पहले तो ये क्या है, एक सेंट्रल सर्विस है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट है। दूसरा क्या है, ये ग्रुप सी की जॉब है, यानी कि आपके चार ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए सर्विसेज, जिसके अंदर की मोस्टली आपके जो IAS IPS और जिन सभी के एग्जाम मोस्टली UPSC ही लेती है, या फिर आपका स्टेट PCS लेता है। ठीक है, दूसरे आते हैं ग्रुप बी पोस्ट। ग्रुप बी में दोस्तों आपकी दो होती है, एक गेस्टेड पोस्ट होती है और एक नॉन गेस्टेड पोस्ट होती है। ग्रुप सी में क्या दोस्तों आती है, ग्रुप सी में आती है ये एक तरीके की नॉन गेस्टेड पोस्ट ही रहती है, इसे मोस्टली ग्रुप सी और ग्रुप डी में। और ग्रुप सी के अंदर जो मेन काम होता है वो या तो आपका फील्ड वर्क दिया जाता है या फिर छोटा मोटा क्लरिकल वर्क आपका होता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें पहली बात तो इन्होंने पे स्केल इसका काफी अच्छा दिया हुआ है, यानी कि लेवल सेवन का पे स्केल दिया हुआ है, यानी कि आपकी सैलरी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इन्होंने कि हम आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी देंगे, जो कितना होगा आपके 20% ऑफ बेसिक पे होगा। ठीक है, तो ये काफी हाई रहता है, मतलब अदर आप किसी भी जॉब के अंदर देखेंगे तो वहां पे इतना आपको बेसिक पे नहीं, इतना सिक्योरिटी अलाउंस नहीं दिया जाता है, यहीं पे इतना दिया जा रहा है। ठीक है, ये काफी ज्यादा है। और उसके बाद आता है कैश कंपनसेशन के बारे में। इन्होंने बोला कि अगर आप हॉलीडे पर कभी भी जॉब करोगे तो आपको कैश कंपनसेशन दिया जाएगा। दोस्तों, क्लासिफिकेशन में एक और बात आई थी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट की। नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट कौन सी होती है दोस्तों, देखिए मिनिस्ट्रियल पोस्ट वो होती है जिसके अंदर सारा काम ही आपके ऑफिस होता है, यानी जो मेन ऑफिस होता है वहां पे आपको काम करवाया जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं या फिर आपको मेनली फील्ड वर्क में दिया जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। तो आप इसको एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं कि आपकी जो ये जॉब होगी वो ऑलमोस्ट आपको फील्ड के अंदर ही अपनी बितानी पड़ेगी, यानी कि आपको जो मेन हेडक्वार्टर है वहां पे बहुत ही मुश्किल चांस है, बहुत ही रेयर चांस है कि आपको वहां पे पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है प्रोजेक्टेड वैकेंसी, यानी अभी कितनी कितनी वैकेंसी है। तो CSIT के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है दोस्तों, 30 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए और टोटल है आपकी 56। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए अनरिजर्व के लिए 50 है और टोटल कितनी है 94, यानी कि बहुत वैकेंसी है अगर आप देखें तो आप इसमें भर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा चांसेस है क्योंकि इन्होंने सिर्फ दो ही ट्रेड के बंदों को बोला है, तो अगर दो ही ट्रेड के बंदे अगर वहां पे जाएंगे तो उनके लिए कंपटीशन ऑलरेडी कम होगा। और उन्होंने कम करने के लिए, और भी कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने असेंशियल क्वालिफिकेशन देखो क्या दे दी। उन्होंने बोला है कि गेट का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी या तो आप गेट 2020 दिया हो, 2021 दिया हो, या 2022 दिया हो, इनमें से कोई भी आपने गेट दिया हो। गेट का एक अलग से एग्जाम होता है जो कि या तो लोग एमटेक करने के लिए करते हैं, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करनी है तो उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है, या फिर उसके लिए गेट का एग्जाम दिया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने असेंशियल क्वालिफिकेशन में ये भी मांग लिया। तो सबसे पहले बात गेट का मतलब लोगों ने फॉर्म भरा ही कम होगा, और जिन्होंने भरा होगा उनमें से बहुत कम का ही वो क्लियर हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी छटनी हो चुकी है। तो अब तो बस क्या है कि उनको एक वेल क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने गेट मांग लिया तो इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन कैंडिडेट इनके पास जाएगा तो वो डेफिनेटली बहुत ही नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके पास सारी जो बेसिक जो अपनी फील्ड के रिलेटेड जो नॉलेज है वो काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी बातें। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, असेंशियल क्वालिफिकेशन में तो बोल ही दिया है, उन्होंने बोला है कि बी या बीटेक होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। तो उन्होंने ये फील्ड देख रखी है, आप इनमें देख लीजिए, अगर आपकी फील्ड इसमें लाई करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल है, या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस,
तो या फिर उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास बीई बी टेक नहीं है तो आपके पास एक और इलाज है इसका, कि आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, लेकिन मास्टर डिग्री किस में कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखी है या फिर फिजिक्स में कर रखी है, विद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस, मतलब इनमें से किसी भी ब्रांच में आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि एज रिलैक्सेशन के बारे में इन्होंने बोला है, जनरली आपकी वैसे तो एज फॉर्म भरने की 18 से 27 साल की होगी, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए है, यानी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि कई ऐसे एरिया है जहां पर हम एज की रिलेक्शन आपको दे सकते हैं, जैसे एससी एसटी के लिए उन्होंने क्या बोला कि 5 साल की आपको रिलेक्शन है, यानी कि अगर 27 साल उम्र जनरल के लिए है तो 32 साल तक कौन दे सकते हैं एससी और एसटी, 3 ईयर 3 ईयर्स फॉर ओबीसी, तो ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इनको 3 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि वो 30 साल तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अलग अलग और कंडीशन दिखा रखी है कि हम और ऐसे कौन कौन से कंडीशन है या फिर सर्कमस्टेंसेस जहां पे हम आपको एज रिलैक्सेशन देंगे, तो उन्होंने पहले बात बोल दिया कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है वो अपने 40 साल तक इस एग्जाम को दे सकता है, लेकिन कंडीशन है कि उन्होंने 3 साल तक रेगुलर और कंटिन्यूस सर्विस दी है, ठीक है। कंटिन्यूस भी देखना दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप अभी आपने 1 साल की फिर आपने छोड़ दिया, फिर 1 साल फिर आपने छोड़ दिया, फिर ऐसे नहीं, ठीक है, तो कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि जनरल कैंडिडेट में भी हम कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जब हम उनको ये एज रिलेक्शन देते हैं, जैसे कि एक विडोज है या फिर डाइवोर्स वुमेन है या फिर वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट रीमैरिड, ठीक है, तो उनको भी हम 35 साल तक एग्जाम देने के लिए छूट देते हैं, ठीक है। फिर एक्स सर्विसमैन का बता दिया उन्होंने, एक्स सर्विसमैन भी देते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन है जो कि कम्युनल राइट्स 2002 के पार्ट रहे हो या फिर 1984 वाले राइट्स के पार्ट रहे हो, ठीक है, तो उनको भी दे सकते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन की अगर मेरिट अच्छी है, ठीक है, और इनके जो क्लेम के अंदर वो आते हैं तो उनको भी 5 साल तक मैक्सिमम ये एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दोस्तों नोट, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे कि जो भी पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, यानी कि जो भी स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये बात उन्होंने बोल दी। उसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन तभी कंफर्म माना जाएगा जब आप इसकी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे, यानी कि मेरली क्लियरिंग द एग्जामिनेशन एंड क्लियरिंग द इंटरव्यू विल नॉट सिक्योर योर पोजिशन और यू विल नॉट सिक्योर योर सिलेक्शन इन दिस पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग भी मैंडेटरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने गेट के स्कोर के लिए बोला है, और गेट के स्कोर के लिए फिर उन्होंने बोला कि 7/5/2022 तक, यानी 7 मई 2022 तक उनका रिजल्ट भी आना जाना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको एप्लीकेबल नहीं मानेंगे। उसके बाद उन्होंने एक्स सर्विसमैन के लिए बोला है कि ये चीजें हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला है कि सर्विस लाइबिलिटी, सर्विस लाइबिलिटी कब तक है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऑल इंडिया में सर्विस लाइबिलिटी, यानी कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं, यानी कि अगर आप मान लो आपको आप बंगाल के रहने वाले तो बंगाल वाले पर्टिकुलर पर्सन को वो अरुणाचल प्रदेश भी दे सकते हैं, केरला भी दे सकते हैं, गुजरात में भी दे सकते हैं और कश्मीर में भी दे सकते हैं, कहीं पर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बेसिकली क्या बोला उन्होंने कि गेट का स्कोर बोला एक, तो गेट के स्कोर की जो वेटेज होगी वो 1000 होगी, ठीक है, 1000। उसके बाद उन्होंने बोला इंटरव्यू के मार्क्स भी होंगे कुछ 175, तो जिन भी कैंडिडेट्स का इन दोनों के अंदर रैंक आएगा फिर बाद में इन दोनों को मिला के उसको हम सिलेक्ट करेंगे आगे की प्रोसेस के लिए, ठीक है, ये बात है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले तो शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो 10 गुना बच्चों को ये नंबर ऑफ पोस्ट है उसके 10 गुना बच्चों को यहाँ पे बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा दिल्ली के अंदर, तो फिर आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बताई रखिए, ठीक है ना। जो मेनली इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका कहाँ पे होगा, दिल्ली के अंदर ही होगा, ठीक है ना, ये भी है, तो ये हाउ टू अप्लाई आपको बताई, देखिए दो आपकी वेबसाइट, आप इनमें कहीं पे जाइए, और फर्स्ट डेट और लास्ट डेट क्या है, 16 अप्रैल से लेकर 7 मई तक इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट्स है, तो आप इसके बीच में कभी भी भर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना, ठीक। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर कुछ ऐसा होना चाहिए कि थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो आपका सेम रहे, आप उसको चेंज ना करें, ठीक है। फिर उन्होंने और डाटा दे रखा कि आपका फोटो का साइज क्या होना चाहिए, फोटो में सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें, ठीक है। तो इन्होंने जनरल कंडीशन दे रखी जो कि आपकी हर एक एग्जाम में देख ही सकते हो। तो उसके बाद एग्जाम फी के बारे में आता है, एग्जाम फी काफी सस्ती है, 200 रुपये इन्होंने दिया है, तो आप ये भर के इस एग्जाम को दे सकते हैं, और विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका सिलेक्शन इसमें हो ही जाए, ठीक है।